हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसे कि सबको रोज मैं एक सिद्धियाँ बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमें सिद्धियाँ आती नहीं हैं, हमने लोगों का ठेका लेके रखा है। तो हाँ, हमने ठेका लेके रखा है, क्योंकि हंसी इस बात की आ रही है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, देख के मज़ा भी आ रहा है। तो जाने दीजिए, मैं तो बोलती हूँ कहावत सुने ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। तो जिसको नाचना नहीं आता ना, तो आंगन टेढ़ा ही नज़र आएगा। मैं तो शक्तियाँ बता रही हूँ ना, कर लो। मेरे को तो जो आता है मैंने बताया, आज मैं बताने जा रही हूँ कर्ण पिशाचिनी की शक्ति, जिसके लिए मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने कहा है कि ये बर्बाद कर देती, ये कर देती। देखिए, कोई बर्बाद नहीं होता। मन की बुद्धि, मन में अगर आप जिस भावना से चीज़ों को करेंगे, वही भावना आपके पास आएगी। फ्रेंकली, जैसे भी आज अगर आपके आपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज का दिन आपने देखा राशिफल कि आज आपके साथ दुर्घटना घटने वाली, तो आप पता है क्या करेंगे? आपका माइंड वो चलने लगेगा कि आज तो दुर्घटना होने वाला है, आज ऐसा होने वाला है। वो हो जाएगी, मन में मत लाइए। हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते चलनी चाहिए। मैं शक्तियाँ इसलिए बताती हूँ कि जो मेरे पास है मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप खुद भी सक्षम है, आप लोग खुद कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं हमारे पास आने की, क्योंकि हमें भी इतना टाइम नहीं लोगों का, 500 लोगों का काम लेके बैठे हैं। तो मैं तो चाहूँगी कुछ भाई लोग खड़े हो जाए तो मेरी भी मदद हो जाएगी ना। मैं विद्या देवी जैसे और 10 लोग खड़े हो जाए तो कम से कम लोगों की हेल्प तो शुरू होगी। तो जैसे कि भैया कर्ण पिशाचिनी की बात ऐसी है कि उनको सिद्ध करने के लिए बहुत इजी तरीका है। कोई उनके लिए कोई बड़ा आपको अमावस्या पूर्णिमा को कोई खाना पीना नहीं चढ़ाना है। उनका बहुत सरल सा उपाय है, उनका भी सेम प्रोसीजर है, 40 दिन की पूजा करनी है। 40 दिन की पूजा कैसे करनी है? आपको एक बंद कमरे में बैठना है, जो भी आप बैठ सको, आधा घंटा 15 मिनट बैठ सको, 10 बजे के बाद, 10 से 12 के बीच में। 10 से 12 के बीच में चमेली के तेल की तेल का दिया जलाना है, पंखा बंद करना है, 5 गुलाब की खुशबूदार अगरबत्ती लगानी है, सफ़ेद मिठाई रखना है, सफ़ेद गजरा रखना है। और पहले दिन ही सफ़ेद साड़ी रखनी है, रोज़ बदली नहीं करनी है। अगरबत्ती का पैकेट पाव किलो आधा किलो ले आओ कि 40 दिन चले। गजरे रोज़ चेंज करने, मिठाई रोज़ चेंज करना है। उसके बाद, ये बात तो आधे घंटे की है, उसके बाद डेली आप जब खाना खाने बैठते हो तो सबसे पहले अपने खाने में से एक निवाला, जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो एक निवाला कर्ण पिशाचिनी के लिए निकालना है, बाहर रखना है कटोरी में। आपके खाना खाने के तुरंत बाद आपको छत पे या कहीं पे जाके उसके नाम से रोज़ का रोज़ आपको 40 दिन तक खाना डाल के आना है। और जब आप कर्ण पिशाचिनी सिद्ध भी कर लोगे तो वो खाना जो खाती है, आप जो खाते हो, वही उसमें का निवाला खाएगी। उसको अलग से खाना नहीं चाहिए मंथली ऐसा कुछ। अब मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ छोटा सा, ये मंत्र का जाप करो। मंत्र है ये है कि जो आवे मेरे दर पे, जो जावे मेरे दर से, जो आवे मेरे दर से, जो जावे मेरे दर से, जो करे डेली काम, कहाँ से करे वो काम, जो करे डेली काम, वो कहाँ से करे काम, भूतकाल भविष्यकाल बता जा मुझे कर्ण पिशाचिनी। भूतकाल भविष्यकाल बता जा मुझे कर्ण पिशाचिनी, बस ये वाला मंत्र आपको बोलना है, ये याद कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ये मैं फिर से नीचे लिख दूंगी ये मंत्र को। ये मंत्र को आपको 40 दिन बोलना है। देखिएगा कि आप अगर आपके सामने, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके सामने कोई आता है, आपके यहाँ पे कोई कदम भी रखेगा, तो आपके उसके बारे में आपको सब पता चलेगा। अब ये नहीं कि कर्ण पिशाचिनी कान में आके बोलेगी, वो एकदम से ऐसे आपको महसूस हो जाएगा, वो अंदर की आवाज़ से आपको बताएगी कि ये आदमी चोर है या डाकू है, आपके लिए अच्छा बुरा, अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। आपको कोई गाली भी देने वाला रहेगा, वो उसको पहचान जाएगी। तो बस आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस ये काम कीजिए, 40 दिन कीजिए। सिद्ध होने के बाद वो आपके सामने आएंगी, एक हवा रूप में आएंगी, आपको दिख भी सकती हैं। देखिए, सबको अलग अलग तरीके से उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब दिखे या आपको महसूस होने लगे, तब आपको उसकी कोई शर्त नहीं माननी, वो आपसे कोई शर्त रखेगी भी नहीं। बस आपको एक ही बोलना है, जब बुलाऊँ तब आना, जब खिलाऊँ तब खाना। याद रखना ये शर्त, जब बुलाऊं तब आना,
जब खिलाऊं तब खाना, ये आप शर्त रखोगे। ये करो, काम हो जाएगा। कर्ण पिशाच से सिद्ध करो, कोई गलत नहीं है। आप पारिवारिक जीवन जी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये जो गलत धारणा है वो सब हटा दो। ये सारी शक्तियां हमारी मदद के लिए आती हैं, भगवान की दी हुई शक्ति हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में राम और रावण दोनों की तरह सोचना पड़ता है। रावण की तरह, राम की तरह कम, रावण की तरह ज़्यादा सोचोगे तभी सुखी रहोगे। बाकी आपकी मर्जी। जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।